सर्दी के मौसम में चाय का नाम सुनते ही दोस्तों चुस्की लेने का मन कर जाता है। जो लोग चाय पीने के शौकीन हैं, उनके लिए मैं स्मृति आपसे स्वाद और फ्लेवर से भरपूर तीन तरह की चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है सबकी फेवरेट मसाला चाय और बहुत सारे फायदों वाली लेमन टी और साथ ही में हैदराबाद की स्पेशल ईरानी चाय। ये तीनों चाय की रेसिपीज आपको बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगेगी और आपके दिन भर की थकान भी दूर करेगी, आपको कई सारे सर्दी में होने वाले रोगों से भी बचा के रखेगा, साथ ही में गर्माहट भी देगा। तो आप भी ये तीन तरह की स्पेशल चाय सबको पिलाएं। ये चाय बहुत ही खुशबूदार और एकदम कड़क बनती है, तो एक बार बनाना तो बनता है। आइए देखते हैं ये तीनों चाय की रेसिपीज। सबसे पहले हम ईरानी चाय बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पतीला गर्म होने पर रखा है गैस की फ्लेम पर। इसमें हम एक कप पानी डालेंगे, तो पानी को गर्म होने देते हैं और इधर मैंने गैस की फ्लेम पर दूध गर्म होने को रखा है। दूध में उबाल आने के बाद हमें इसको इसका आधा होने तक इसको पकाना है। तो ये दूध हम ईरानी चाय के लिए तैयार कर रहे हैं। जो ईरानी चाय होती है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी दूध डलती है, साथ ही में मलाई भी डाली जाती है, बट मलाई की जगह पे आप इस दूध को ही पकाकर गाढ़ा करके डालें। अब इधर मैंने एक दूसरा पतीला लिया है, इसमें भी हम एक कप पानी डालेंगे और ये मैं लेमन टी बनाने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। तो एक से डेढ़ कप पानी डाल के गर्म होने को रख दें। अब हम ईरानी चाय बनाने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, एक छोटाई छोटी चम्मच सौंफ लिया है, 5 से 6 काली मिर्च के दाने लिए हैं, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है और एक लौंग और इलायची लिया है। इनको हम इमाम दस्ते में डालकर अच्छे से कूट लेंगे। और इस तैयार मसाले को देखिए, हमने जो ईरानी चाय बनाने के लिए पानी गर्म किया है, इस मसाले को इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम एक छोटी चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे और इसको उबलने देते हैं। और इधर जो हमने लेमन टी के लिए पानी गर्म होने को रखा था, देखिए इसमें भी उबाल आ गया है। अब इसमें भी हम एक छोटी चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे, साथ ही में हम एक इलायची डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लेमन टी में। या फिर आप अगर आपके पास पुदीने की पत्तियां हैं तो वो डाल दें, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही में हम इसमें एक मिश्री डाल देंगे, तो ये मैंने एक मिश्री का टुकड़ा लिया है, इसकी जगह पे आप एक छोटी चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। तो इसे हमें अच्छे से पका लेना है, तो गैस को धीमी करके हम इसे पकने देते हैं। और इधर हमने जो ईरानी चाय के लिए चाय पत्ती डाल के उबालने को रखा था, इसमें भी हम एक छोटा टुकड़ा मिश्री का डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे चीनी की जगह पे धागे वाले मिश्री का यूज कर रही हूँ। और ये जो हमने ईरानी चाय के लिए दूध गर्म होने को रखा था ना, अब देखिए ये उबल के करीबन आधा हो गई है, इसको हम थोड़ा और पकने देते हैं। और दोनों की गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे बिल्कुल, ताकि अपने टाइम से पकती रहे। 2-3 मिनट हमें इसको और पकाना है, तब तक हम मसाला चाय की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पतीला और गर्म होने को रखा है, इसमें हम 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे और इस मसाला चाय के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमाम दस्ते में 1 इलायची और 2 लौंग डाला है, इसके साथ हम एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, साथ ही में 5 से 6 काले मिर्च के दाने और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, और इन सबको हमें अच्छे से कूट लेना है। तो इस मसाले को हम डाल देंगे, उबालने के बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। तो 1 कप हम इसमें दूध डालेंगे, साथ ही में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे मिश्री के कुछ टुकड़े डाल रही हूँ, करीब 2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें उबाल आने देते हैं, ताकि जो चाय हमारी अच्छे से पक जाए। तो देखिए इसमें उबाल आने लगा है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 3-4 मिनट तक हम पका लेंगे। और इधर जो हमने ईरानी चाय पकने को रखी थी वो भी अच्छे से पक गई है, इसको धीमी आंच पर हमने पकाया है। साथ ही में जो हमने लेमन टी के लिए पानी चढ़ाया था चाय पत्ती के साथ, वो भी काफी अच्छे से पक गई है। दोनों की गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे अब, और जो ये हमारा मसाला टी है ना, इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे बस 2-3 मिनट। तो इसको इस तरह से करछी से आप ऊपर नीचे कर ले, आप दुकानों पे देखते होंगे जो चाय बनती है उसको करछी से इस तरह से ऊपर नीचे की जाती है, इससे चाय में अच्छी झाग बनती है और टेस्ट में भी बहुत डिफरेंस आता है, साथ ही जो चाय है वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो ये हमारी मसाला चाय भी देखिए लगभग बन के तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हम अपनी ये तीनों चाय अब सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ईरानी चाय के लिए पानी में चाय पत्ती और मसाले डाल के पकाया था, उसे हम एक कप में छान लेंगे। तो ये हमें 1/2 कप डालना है, और हमने जो दूध को पकाकर आधा किया था ना, वो दूध हमें इसके अंदर डालना है। तो दूध डालकर इसको मिक्स कर ले एक बार, और ये जो चाय है वो हल्की सी क्रीमी सी लगती है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और ये हैदराबाद साइड में बहुत ही ज्यादा फेमस है ईरानी चाय, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाकर देखिएगा। और ये जो हमने लेमन टी बनाया था, इसको भी हम एक कप में छान लेते हैं और इसके ऊपर से हम कुछ लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल लेंगे, करीब 1 चम्मच जितना।
और इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी लाजवाब लेमन टी भी तैयार है। इसके अंदर आप पुदीने की कुछ पत्तियां डालकर पिए, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और अब हम हमारी ये मसाला चाय जो हमने बनाई थी इसको छान लेते हैं कप में। तो लीजिए, हमारी ये तीनों तरह की बहुत ही शानदार चाय बनके तैयार है। आपको इनमें से कौन सी चाय सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इन सर्दियों में मौसम के हिसाब से आप ये तीनों चाय बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये तीनों चाय की रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।